देश की राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है और राजधानी का रोहिणी जिला अपराधियों की पसंदीदा जगह बन चुका है, जहां आए दिन हत्या, लूटपाट और झपटमारी जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। ताजा मामला रोहिणी जिले के ही रोहिणी नॉर्थ इलाके का है, जहां रोहिणी सेक्टर 7 का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां कुछ अज्ञात बेखौफ बदमाशों ने सरेआम घर में घुसकर एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मृतक का नाम बिशन सिंह बताया जा रहा है, जो कि रोहिणी सेक्टर 7 स्थित एक मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे। मृतक के परिजन ने बताया कि दोपहर के समय एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उनके पीछे पीछे दो हथियारबंद बदमाश आ गए। इस दौरान वे लोग बिशन सिंह से हाथापाई करने लगे और जबरन घर में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन बिशन ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तभी हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोली चला दी, जिसमें से दो गोली बिशन को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे पापा आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, तभी कोई एक इंसान आया और उसने बोला कि गेट खोलो, तो मेरे पापा ने गेट खोला, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे पापा ने उसे धक्का दे के गेट बंद कर लिया। जैसे गेट की कुंडी लगाई तो दो बंदे उसके साथ और आ गए, जिनके पास पिस्टल थी और उन्होंने फायर कर दिया। कितनी गोली लगभग चलाई होंगी? दो गोली चलाई। किनको लगी गोली और कैसी हालत है? क्या नाम था उनका और कौन लगते हैं? मेरे फादर है विशन सिंह उर्फ नटिया नाम है। मामले की सूचना के बाद पुलिस टीम और डीसीपी प्रणव तायल समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मृतक बिशन पर एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से किसी एक मामले पर वो कुछ दिन पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आए थे और आशंका है कि हत्या की इस वारदात को जबरन वसूली के लिए अंजाम दिया गया है।